हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी न्यूज़। पाकिस्तान में जब कोई ब्लास्फेमी केसेस का शिकार होता है तो आपको पता है कि वो ऑटोमेटिकली एक न्यूज़ तो बन जाती है, कोई भी विक्टिम हो उसका। माजी में हम देखते हैं कि आसिया बीबी हों या उनसे पहले बहुत से ऐसे केसेस हैं, मंजूर मसीह से शुरू हो जाएँ या बहुत पहले चले जाएँ तो गुल मसीह का केस, सरगोदा का, और फिर ओवर द ईयर्स 90s, फिर यानी कि जब नई मिलीनियम शुरू हुआ तो उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंटली कई ऐसे सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान में बेगुनाह शहरी, खासतौर पर जिनका ताल्लुक मसीही कम्युनिटी से है, वो इसका ताज़ा तरीन शिकार बने। आपको बता दें कि 2013 की बात है जब टोबा टेक सिंह, ये फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ पर एक मसीही जोड़ा बसता है और जिनका नाम से आप वाकिफ़ हैं कि शफकत इमानुएल और शगुफ्ता कौसर, ये दोनों मियां बीवी, ये टोबा टेक सिंह में मुकीम थे और चार इनके बच्चे, और इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा, इनके ऊपर बड़ा एक जुल्म ढाया गया और उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने कोई टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए ब्लास्फेमी कर दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर जब ये 2013 की बात है, इन पर फर्दर जुर्म आयद होगी और मुकामी कोई क्लैरिक जो था, सो कॉल्ड क्लैरिक मैं कहूँगा, वो शामिल था, कोई मजहबी आलम बनता है तो उसने इन पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो बाद में जनाब केस हो गया, फिर इन पे केस चलता रहा, तो नेक्स्ट ईयर यानी 2014 में अप्रैल में इनको सजाए मौत सुना दी गई। बड़ा अफसोसनाक ये खबर थी, और सजाए मौत जब सुनाई गई सेशन कोर्ट की तरफ से तो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले जितने भी अहबाब थे वो परेशान हो गए, दे वर सो वरिड कि अब इस मासूम जोड़े का क्या होगा। ख़ासतौर पर जो शफकत हैं वो एक रोड एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज थे और उनकी स्पाइन में इंजरी हुई और वो व्हील चेयर बाउंड, तो एक उनकी सेहत का मसला, फिर वाहिद जो उनके घर की कफील थी वो खातून और उनकी मिसेज जो है हमारी बहन शगुफ्ता साहबा, और फिर दोनों मियाँ बीवी जेल के पीछे चले गए सलाखों में, और बच्चे जो हैं वो किस हालत में होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, उनके चार बच्चे। ओवर द ये मामला चलता रहा, बहुत लोगों ने अपील की, हमने इंटरनेशनल मीडिया पर भी देखा कि इनका केस कभी लगता था फिर इसकी पेशी मुलतवी हो जाती थी। अब क्या हुआ है, आपको पता है कि पिछले दिनों में, कुछ माह पहले, यूरोपियन पार्लियामान के अंदर खड़े होके तो इस मसीही जोड़े की, मासूम जोड़े की दुहाई जो थी, इंसाफ की दुहाई पाकिस्तान हुकूमत से की गई, और यहाँ तक मामला बढ़े कि ह्यूमन राइट्स का ये बहुत बड़ा मसला बन गया जो कि हकीकत में था। तो इसके बाद फिर पाकिस्तान को यूरोपियन पार्लियामान ने खुले अल्फाज में कह दिया कि अगर आपने अपने मुल्क में इंसानी हकूक की सूरत हाल को बेहतर ना किया तो फिर आपके पास जो GSP प्लस स्टेटस है, यानी कि वो स्टेटस जिसकी वजह से पाकिस्तान की मसनूआत जो है वो यूरोपीय मंडियों में आती हैं और उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो सहूलत वापस ले ली जाएगी। तो ये तो इस पर तो बहुत से तकरीबन कोई 7-8 बिलियन यूरोस का पाकिस्तान कारोबार करता है, एक्सपोर्ट्स करता है, तो इस पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर जोड़े का शफकत और शगुफ्ता, ये जो मसीही जोड़ा है, इसका जिक्र किया गया था, इनकी तस्वीर दिखाई गई, तस्वीर दिखा के तो एहतजाज किया गया था एक रुकने पार्लियामान की जानब से, तो फिर हमने देखा कि विद इन वीक्स पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और जल्द से जल्द सारी तहकीकात भी मुकम्मल होगी, और इतलात के मुताबिक तहकीकात पहले से मुकम्मल हो चुकी थी, बवजह जो है ये केस को आगे नहीं था पहुँचाया जा रहा। फिर हमने देखा कि 3 जून 2021 को, अभी रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स बैक, एक तारीखी फैसला आया और शफकत और शगुफ्ता साहबा जो हैं इनको अदालत ने बेगुनाह करार दिया, और एक खुशगवार हालत ये थी कि इस केस के वकील भी मोहतरम सैफुल मुलूक साहब थे। जी हाँ, ये वही सैफुल मुलूक साहब हैं जो आसिया बीबी केस में उनके वकील थे, और खुदा के फजल से आसिया बीबी केस में भी फतह मिली आसिया बीबी फैमिली को, पूरी कौम को बल्कि, और अब शफकत इमानुएल साहब और शगुफ्ता कौसर साहबा जो हैं अब उनको भी 3 जून को रहाई का परवाना मिल गया ये इस साल। अब उसके बाद क्या हुआ है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, और उसके दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं को कोशिश करूंगा कि डिस्कस करूं। सबसे बड़ी खबर ये है कि अब शफकत इमानुएल साहब और शगुफ्ता कौसर और उनके चार बच्चे पाकिस्तान छोड़ के बेल्जियम में आ गए हैं, बहुत बड़ी खबर है ये, और इस वक्त वो यूरोप में हैं और दे आर इन सेफ प्लेस। और इसके अलावा अर्ज करता चलूँ कि अफसोसनाक पहलू ये है कि जब, आपको पता है कि आसिया बीबी भी जब पाकिस्तान छोड़ रही थी तो उनके बारे में अफसोस ये किया जा रहा था कि एक ऐसी खातून
जिसको गले से लगाना चाहिए था बेगुनाह होने के बाद, लेकिन किसी ने उनकी बेगुनाही को तस्लीम नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि तमाम तर शवाहद और वाक्यात को मद्देनजर रखते हुए आसिया बीबी बेगुनाह साबित हुए हैं, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। और होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया था उनको पाबंद सलासिल किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी आसिया बीबी को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और बाद जहाँ उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर बात करते हुए कहा था कि उनका दिल नहीं था कि पाकिस्तान छोड़े, लेकिन ज़ाहिर बहाल से मजबूरी उनको जाना पड़ा। अब ये जो टोबा टेक सिंह का जोड़ा है, मसीही जोड़ा शफकत और शगुफ्ता, ये भी अब सेफली यूरोप में आ गए, बेल्जियम में आ गए। अब इसके बाद उनकी मंजिल कोई भी हो सकती है, कहीं भी चले जाएँ, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। तो ये एक लिहाज से खुशाइन बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान की अजीब सी रवायत है कि आप बेगुनाह भी साबित हो जाएं तो आप यू आर नॉट सेफ। तो अब ये है कि दे आर इन बेल्जियम, और इसके बाद फिर बेल्जियम इज़ अ सेफ प्लेस, खुदा उन करे कि वो अपनी नई जिंदगी अच्छे तरीके से शुरू करें। अफसोस ये है कि जैसे मैंने इसके आसिया बीबी केस में कि बेगुनाह होने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो ऐसा तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला सैडली। लेकिन बहर पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, वहाँ पर हुकूमत को भी पता है, हुकूमत भी जानती है कि वो चाह कर भी विक्टम्स की हेल्प नहीं कर सकती। अगर जो अदालत खड़ी हो जाए विक्टम के हक में, हुकूमत चाहे भी, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वहाँ पे, जो ऐसे अनासर पाए जाते हैं जो पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, उनके दबाव में आके हुकूमत हमेशा घुटन टेक देती है। तो ऐसे में ऐसे विक्टम्स का पाकिस्तान में रहना शायद मुनासिब नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको आज देख रहा हूँ कि शफकत मानुल और शगुफ्ता कौसर अपने चार बच्चों के हमरा पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस ये ना आप सोचिएगा कि ये सिक्योरिटी का मसला, सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में जब वो थे तो वो गैर महफूज थे, तो अब वो पाकिस्तान से बाहर निकल आए हैं खुदा के फजल से, वो अच्छे ममालिक में हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी भी अच्छी है, यहाँ पर उनका कोई खुदा के फजल से बाल भी बांका नहीं कर सकता। वही खुदावन जिन्होंने इन मासूमों को पाकिस्तान में बचाया था, तो क्या यूरोप में नहीं बचा सकते? तो इसलिए इस वीडियो को आप पॉजिटिव पैगाम के तौर पर लें, इसलिए ये ना सोचें कि उनकी कोई सिक्योरिटी का मसला, उनकी कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। दे वर फाइन इन पाकिस्तान जैसे भी थे हालात, लेकिन अब वो ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उन लोगों के लिए ये पैगाम है जो इस जोड़े के लिए दिन रात दुआएं करते थे, और जो जानना चाहते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या थी, अब उनको इस वीडियो के जरिए पैगाम मिल गया। अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को, जो आपके लिए इस तरह की खबरें लाता है और खुदा की फजल से इंडिपेंडेंट वॉइस है, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ये फॉर्मेलिटी है ताकि आपके पास इस तरह की और भी ऐसी खबरें जो सनसनी में मबनी ना हो, तहकीक पे मबनी हो, और इसके अलावा प्रॉपर जैसे न्यूज़ के एक रूह होती है उसके तहत पेश की जाती है, हम वो बिलीव नहीं करते। आपको पता है कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख चुके हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं कि हम खुदा के फजल से प्रॉपर जर्नलिज्म के असूलों को मलहूज़ खाता रखते हुए, क्योंकि मुझे फ़ख्र है, थैंक गॉड कि मैंने जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है। तो हम सनसनी पे बिलीव नहीं करते और गलत खबरों पे बिलीव नहीं करते, तो इसलिए आप बड़े एतमाद के साथ वाओ टीवी को सब्सक्राइब करें और आप हमारी न्यूज़ को आगे से आगे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मेरा नाम है तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।